ये सिंगापुर का म्यूजियम है फ्लावर डोम, और हजारों तरीके के यहाँ पर फूल हैं। ओके, ये एंट्री है सर। ओके, एंड देन वी आर इनटू द फ्लावर डोम। यो 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 सॉरी। वाह, रंग बिरंगे फूल। अच्छा, मुझे तो लगा शुरू में कि वो शायद म्यूजियम ही होगा सच, लेकिन बट यहाँ तो बहुत शानदार फूल है। खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है यहाँ पर, और ऊपर से इन्होंने बंद कर रखा है ये सारा ना, और अंदर एसी भी चल रही है। बहुत मज़ा आ रहा है। ओह हो, एंजॉय दिस। ऑसम, खो जाएंगे टीम के साथ, वापस जाते हैं थोड़ा सा, दो लोग हैं टीम में। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आंचल, खो जाओगे आप कहाँ पर हो। ये आंचल और समिधि, हमारे टीम मेंबर जो आज सिंगापुर में घूम रहे हैं हमारे साथ में फ्लावर डोम में। यस, एंड दिस इज ऑसम। सॉरी बट फोटो खींच रहे थे कुछ लोग, तो आई थॉट खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मतलब हजार फूलों के जब खुशबू मिली हुई है और उसकी जो खुशबू आ रही है ना, तो लग रहा है कि कुछ सेंटेड गार्डन है। बहुत ऑसम है, यहाँ से देखते हैं नीचे। नीचे वो पीछे आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से फूल हैं सारे। ये पीछे चलते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर, बता रहे थे कि इस गार्डन को बनाने में $1.2 बिलियन खर्च किए हैं, जो इसका आसपास का पूरा एरिया है। दिस इज जस्ट वन पार्ट फ्लावर डोम, इसके अलावा स्काई वॉक करके कुछ है। तो हम अब नीचे आ गए हैं, ये क्या ही नज़ारा है। बहुत खूबसूरत सिंगापुर बनाया है इन्होंने, और बहुत ग्रीन और शानदार। यहाँ और ठंड सी लग रही है नीचे आकर, तो फ्लावर्स के लिए कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है कि ये ख़राब ना हो। इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। ये देखिए रंग बिरंगे। ओहो, बहुत ही सुकून भरा माहौल है। ठंडा धूप आ रही है लेकिन गर्मी नहीं लग रही है। दैट्स ऑसम। छोटा सा फाउंटेन है। अच्छे खासे लोग हैं यहाँ पर। बाहर जाने का रास्ता यहाँ पर है, लेकिन अभी बाहर जाएंगे नहीं, थोड़ा सा और। हाँ, एंजॉइंग दीज फ्लावर्स, ट्यूलिप। कुछ कुछ के तो नाम मालूम है, सारे फ्लावर्स के नाम नहीं मालूम हो सकते। स्कूल के बच्चे भी आए छोटे छोटे, ये Awesome. इसे गार्डन बाय द बे बोलते हैं, तो आसपास में समुद्र भी है पीछे। अगर आप, मैं आपको थोड़ा घुमा के दिखाता हूँ, तो वहाँ पे लंदन आई जैसा कुछ एक आई भी है, यहाँ पे सिंगापुर आई। ये पीछे दिखना चाहिए। हाँ, अब दिखेगा।
ये है, थोड़ा सा फोकस करने के बाद दिख रहा है, बट यस नाइस एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस। अच्छा टीम मेंबर्स के साथ मुझे लगता है कि खोएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई फ्री है पूरे एरिया में। ओ ओ ओ ओ, ये छोटे छोटे पौधे। ओ ओ ओ ओ, खुशबू में मजा आ रहा है। कभी मौका बने सिंगापुर आने का तो ये गार्डन बाय द बे जरूर आइएगा। खूबसूरत इन्होंने सारा बनाया हुआ है। वाह काफी बड़ा गार्डन है, और मैं अब तक वॉश में देखूं तो मैं 1 किलोमीटर वॉक कर चुका हूं विद इन दिस गार्डन इटसेल्फ, जो फ्लावर डोम है। ओह दिस इज वन पार्ट ऑफ इट, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है चारों तरफ, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इधर चलते हैं, ये कुछ तो गेट बना हुआ है, ऑसम। नाइस नेकलेसेस बनी हुई हैं फ्लावर की, संबल में तो नहीं बनेंगी। कॉपर स्मिथ देख लो, मुरादाबाद के लोगों का काम भी यहाँ पे हो रहा है, कॉपर आर्टिफैक्ट्स। सी हारून गोला, गुड नाइस खुर्जा, तो कुछ तो सब कुछ मिलता जुलता सा है, लेकिन थोड़ी सफाई ज़्यादा है इनके कामों में। ये देखो फ्लावर्स बड़े अच्छे से बनाए गए, नाइस। ये क्या है, कारपेट्स हैं और कुछ तस्वीर भाई, आर्टवर्क, पेंसिल आर्टवर्क, नाइस अच्छा सा अच्छा बना हुआ है। ओरिजिनल देखते हैं। सॉरी वाह क्या लग रहा है कि बहुत पुराने पेड़ हैं, लेकिन ऑसम। अब बीच में देखो कि शायद ये लकड़ी का ही बना हुआ है, आउल सा लग रहा है, बट आई डोंट नो क्या है एग्जैक्टली। हा 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 हा, एक और गेट। We want to this one, South American Garden. Okay. प्लास्टिक के देखें आज तक मैंने बस ही ओरिजिनल देख के अच्छा लग रहा है। So South American say, let's move into this Australian garden. सबसे मजेदार बात इसमें यह है कि पूरे इस एनवायरनमेंट में गर्मी नहीं लग रही है, वरना इस वक्त यहाँ दोपहर के 11:30 बज रहे हैं और काफ़ी गर्मी होगी बाहर, अच्छी खासी इनफैक्ट थी गर्मी जब हम अंदर एंटर कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो मज़ा आ रहा है बहुत ज़बरदस्त। आइए चलिए थोड़ा सा हम और जगह घूमते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मौका बनेगा तो फिर एक और कोई वीडियो बनाएंगे अच्छी जगह पहुँच कर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।